हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये लगभग 250 ग्राम आलू हम लिए हैं। आलू बॉयल है कर लिए हैं तो इसको हम छील रहे हैं। आलू की हम खस्ता कचौड़ी बनाने चल रहे हैं तो आलू इस तरफ छील लिए हैं तो इसको चाकू से हम कट कर ले रहे हैं। देखिए, 3-4 टुकड़े इसका कट कर ले रहे हैं। इधर हम पैन रख दिए हैं, गर्म हो रहा है। 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। 1 चम्मच छोटी राई है और 10 से 15 करी पत्ते हैं। लहसुन और मिर्चा हम बारीक दरबरा कूट लिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम ब्राउन कर रहे हैं। अब इसमें बारीक अदरक घिस दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं तो इसमें अब हम आलू ऐड कर रहे हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को हम इस तरीके से मिला रहे हैं। देखिए, करछी वाले कैछुल लिए हैं, इससे दबा के इसको बारीक दबा के मीज ले रहे हैं ताकि जो आलू है एक बराबर सी हो जाए। अब इसमें ढेर सारी हम धनिया हरी ऐड कर रहे हैं। देखिए, बिना धनिया के बिना तो कोई भी चीज़ अधूरा रहता है। अभी हम बड़ी थाली लिए हैं तो इसमें पलट ले रहे हैं, इसको ठंडा हो जाए। इसमें इस तरीके से फैला दे रहे हैं, ठंडा हो जाए। इधर आटा हम लगा के रख लिए हैं तो हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम और मसल लेते हैं। इस तरीके से हम इसको मसल लेते हैं और मुलायम हो जाए हमारा आटा। कढ़ाही में हम तेल डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है। ये छोटे छोटे पेड़े आलू के बना के रख लिए हैं जो आलू मसाला बनाए थे। इस तरीके से हम लोई लिए हैं, देखिए, मीडियम साइज की। इसमें ये पेड़े रख के दबा के इसको हम फोल्ड कर दे रहे हैं। इसी तरह हम सभी पेड़े बना ले रहे हैं। ये देखिए, बना के करछी से इस पर हमने डिजाइन भी कर दिया है ताकि बच्चे देख के खुश हो जाएं। तेल गर्म है तो इसमें हम एक एक करके सभी लोई डाल दे रहे हैं। इस तरीके से इसको डाल दिए हैं, धीमी आंच में पक रहा है तो इसको हम पलट दे रहे हैं। देखिए, ये फूली फूली खस्ता कचौड़ी हमारी बन के रेडी हो रही है। इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से हम सभी कचौड़ी बना लिए हैं। ये देखिए, सभी कचौड़ी प्लेट में निकाल लिए हैं। ये हमारी खस्ता कचौड़ी बनके आलू की रेडी हो गई है। आप लोग कमेंट में बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।